नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन वली मोहम्मद साहब, जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया है और साथ ही साथ बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप से जुड़े रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि वर्तमान में फौज की उनकी जो समस्या है उसके ऊपर, साथ ही साथ उनकी सेवाओं के ऊपर। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद आपका। सर, फौज में आपने सेवाएं दी, कारगिल युद्ध में आप रहे, किस तरह का अनुभव रहा? कारगिल युद्ध के बारे में कुछ खास बात जानना चाहेंगे। कारगिल युद्ध के समय हम, मेरी बटालियन सिलीगुड़ी में थी। सिलीगुड़ी में जब युद्ध लगा कारगिल में, तो हमारी बटालियन को रातों रात हुक्म मिला कि आपको कारगिल युद्ध के लिए जाना है। पूरी बटालियन को कारगिल युद्ध के लिए एक स्पेशल ट्रेन दी गई, जिसमें रातों रात हमारा पूरा यूनिट का सामान लोड किया गया और उसको नाइट को ही मार्च कर दिया गया। हम दूसरे दिन सुबह श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर से हमें कारगिल युद्ध में डाल दिया गया। कारगिल युद्ध में हमारी बटालियन की तीन कंपनियां थी। एक कंपनी बटालिक में डाली गई, एक हमारी जो है घरकुंड में डाली, और एक जो है दूसरी सेक्टर में डाली गई, जिसमें हमें सबसे ऊपर वाली टॉप पहाड़ी पे भेजा गया, जिस पहाड़ी का नाम था 4565। उस पहाड़ी के ऊपर मेरे साथ मेरे सीनियर जेसीओ और एक अफसर भेजा गया। उस समय मैं हवलदार होता था। मेरे जो काम दिए गए, पहले तो हमें हेलीपैड के लिए बनाया गया। हेलीपैड जो है बनाया, उस हेलीपैड के ऊपर जितने भी उस सेक्टर की हमारे देश की जो डेड बॉडी होती थी वो आती थी, इसलिए वो हेलीपैड बनाया गया। उसके बाद हमारे को जो है 4565 पहाड़ी पे भेजा गया। वहाँ पर दिन में मूवमेंट होता नहीं, रात के समय ही मूवमेंट कर सकते थे। जैसे ही अंधेरा होता था हमें भेजा जाता था पहाड़ी के ऊपर। तो हम उस पहाड़ी पर गए। पहाड़ी पर जाने से पहले हमें पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर पोस्ट थी, उस पोस्ट ने हमें फायरिंग करके पहले तो हमें रोका। उस समय हमारे पास एक बड़ी सारी चट्टान थी, जिसमें हमें सपोर्ट लेकर हम जो है वहाँ पर रात में करीब 12 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद फिर हम रात को निकलने के साथ ही फिर बर्फ़ शुरू हो गई। थोड़ा आगे गए, आगे जाने के बाद फिर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं होने के कारण हमें रस्सों से ऊपर जाना पड़ा। तकरीबन हमें 5 रस्से 20-20 फीट के डालकर ऊपर चढ़ना पड़ा। उस बीच में भी पाकिस्तान ने फायरिंग किया। पाकिस्तान फायरिंग करता रहा और हम बर्फ़ के बीच में वहाँ पर थोड़ी सपोर्ट लेकर अपने पत्थरों के आड़ में बैठे रहे। ऐसे करते हुए हम पूरा नाइट वहाँ पर रुके रहे और तकरीबन हम 6 बजे जब दिन निकला, उसका फायरिंग ख़त्म हुआ, तब हम अपनी पोस्ट पर पहुँचे। सर, युद्ध में हिस्सा लिया, रोचक अनुभव आपने सुनाया अपना, इसके बाद रिटायरमेंट कब हुआ सर, और किस तरह से अब जिंदगी बसर हो रही है? रिटायरमेंट के बाद मुझे एक, पहले ही मुझे कारगिल की लड़ाई से के बाद जो है मेरा नाम प्रशंसा पत्र के लिए दिया गया, जो कि कमांड से मिलता है। वो कमांड से अभी भी मेरे पास है, जो रेड कलर में लगा हुआ है, ये कमांड का मेरा प्रशंसा पत्र है। इसके बाद हमें वहाँ पर ही ले में ही रख दिया गया। मेरी बटालियन को ले में ही शिफ्ट कर दिया गया। बाकी हमारा जो भी स्टोर था वो बाद में आता रहा, लेकिन हमें यूनिट को ले में रख दिया। इसके बाद फिर हम जो है वापस से वहीं पर ड्यूटी करने लगे। सर, अब जिंदगी उसके बाद जब इतनी सेवा की, कारगिल जैसे युद्ध में आपने लड़ाई लड़ी, हिस्सा लिया, अब जीवन कैसा चल रहा है? अभी जीवन
तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस में भर्तियां की गई है, मेरी ही नहीं हर एक आदमी के लिए है। हमारे जो पूर्व सैनिक आते हैं जिनकी एक होती है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस में या कोई दूसरे महकमों में जो भी हमारा आरक्षण था या नियुक्ति कर रखी थी, वो जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, उसको दोबारा चालू करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्व सैनिक वापस से आए हैं, उनको जो है अपने परिवार को सकुशल चलाने के लिए कुछ उनको सहायता मिले। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पर कोटा होता है, जैसे कि कोई दुकानें बनती है उसमें कोई कोटा होता है, उसको कोटा देते नहीं है, जबकि पूर्व सैनिक का उसमें कोटा होना चाहिए। उसके बाद जैसे मेडिकल बन रहा है यहाँ पर, और भी कॉलेज वगैरह है, उनमें जो है हमारे पूर्व सैनिकों को कैंटीन वगैरह का टेंडर जो है देना चाहिए, जिससे कि वो अपने कामों को कर सके। सर, इन योजनाओं को लेकर आपने अपनी मांगे कहीं पहुंचाई है और उस पर सरकार के जनप्रतिनिधियों ने कोई तवज्जो नहीं दिया क्या? इसको पहले जो है अपने मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचाई गई है, यहाँ से ही नहीं ग्वालियर से भी पहुंचाई गई है, लेकिन इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि जो हमारे सैनिक वहाँ गए थे वहाँ पर भी उनको मिलने नहीं दिया गया। सर, क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह की योजनाएं लागू होना चाहिए क्या, ताकि भूतपूर्व सैनिक जो सम्मान के साथ अपना जीवन बसर कर सके? भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है, उन योजनाओं में उन भूतपूर्व सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का जो है कोटा होना चाहिए और उनको 100% मिलना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, इसमें जो कोटा होता है पूर्व सैनिकों का, वो पूर्व सैनिकों को 100% दिया जाता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी पूर्व सैनिकों का कोटा हो और वो उनको दिया जाए। क्या आप मानते हैं कि अपेक्षित सम्मान जिसको आप लोग डिजर्व करते हैं, आपका ड्यू है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है? ये सही है कि वो बराबर से नहीं मिलता है। कहीं भी कोई भी ऑफिस वगैरह में काम के लिए जाते हैं तो उनको जो है डिले करा जाता है और समय पर नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधाओं में कोई हमारा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी वो नहीं है, वेलफेयर नहीं है जी। और क्या आप मांग रखते हैं? मांग हमारी ये है कि पूर्व सैनिकों को जो है हर जगह जो है जो भी योजना है गवर्नमेंट की उसमें कोटा दिया जाए, और उनके बच्चों को भी जो है कोटा दिया जाए साथ में। सर, अभी आर्थिक तौर पे देखें तो किस तरह जीवन चल रहा है, पेंशन के ही भरोसे हैं आज? जी, पेंशन के भरोसे तो जीवन नहीं चल पाता है पूरा, जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा होता है, तो इसलिए जो है वो कोटा मांगते हैं लेकिन नहीं दिया जाता है। वो जैसे भी है अपना इधर उधर से काम करता है, फौज में जो पेंशन मिलती है इतनी पेंशन नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छे से और पढ़ा लिखा सके। तो ये थे वली मोहम्मद साहब, जिन्होंने अपनी बात बताई कि पेंशन के भरोसे केवल जीवन नहीं चल सकता है, अपेक्षित सम्मान और सरकार से जो योजनाएं हैं उसको लागू किया जाए, और जो भी आवश्यक है जीवन चलाने के लिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिले, जिसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मनीष राठौर के साथ अब्दुल अली ईरानी।